नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास कम्युनिकेशन न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिस्ट्री ऑफ रेडियो। ये वीडियो काफी डिटेल में होगा क्योंकि हिस्ट्री ऑफ रेडियो में काफी डिटेल में बताने वाला हूँ, एक एक पॉइंट इसमें कवर करूंगा। उसका पहला पार्ट जो पहला रेडियो कहाँ बना था और अभी क्या उसमें लेटेस्ट चल रहा है और कहाँ तक इसमें इन्वेंशन हुए, सारी चीजें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि रेडियो से काफी क्वेश्चन आते रहे मास कम्युनिकेशन के अंदर और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, तो इसमें मैं आपको हिस्ट्री पूरी तरह से कवर करा रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पहला, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है फर्स्ट रेडियो ट्रांसमिशन। और इसमें मैं आपको बता दूं, इंडिया के रेडियो की हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर बात हो रही है ओवरऑल हिस्ट्री ऑफ रेडियो, तो मैंने इसलिए यहाँ पर 1915 से लिया है। तो पहला फर्स्ट रेडियो ट्रांसमिशन 1915 के अंदर हुआ था, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। तो आपको जैसे मैं बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर अपन एक काम भी कर सकते हैं कि ये देखिए, ये अपना पहला पॉइंट है, फर्स्ट रेडियो ट्रांसमिशन कब हुआ था, 1915 के अंदर हुआ था। सेकंड चीज, फर्स्ट रेडियो स्टेशन कब सेटअप हुआ था, पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क, शिकागो के अंदर 1920 में हुआ था। और इसके अंदर क्या हुआ था, इसमें इलेक्शन न्यूज और स्पोर्टिंग न्यूज को दिखाया गया था, साथ में ओपेरा परफॉर्मेंस भी कवर किया गया था। ये इंपॉर्टेंट चीज है और आपको ये याद रखना है क्योंकि हिस्ट्री ऑफ रेडियो के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार कहाँ पर हुआ था रेडियो स्टेशन, कहाँ बना था रेडियो स्टेशन और उसमें क्या कवर किया गया था। तो उसमें आपको ये बताना है, इसमें से कोई भी ऑप्शन आ सकता है, आपको स्पोर्ट्स न्यूज भी दे सकते हैं, आपको इलेक्शन न्यूज भी दे सकते हैं ऑप्शन के अंदर, साथ में ओपेरा परफॉर्मेंस का भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। इसमें से अगर कोई भी ऑप्शन आता है तो आपको उसको ऑप्शन को करेक्ट लगाना है क्योंकि ये तीन यहाँ पर पहली बार अगर कोई रेडियो स्टेशन में कोई भी टेलीकास्ट चीज हुई थी तो वो इन तीनों में से ही है। तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन अगर आपको आपको दिखता है अपने जब आप नेट का पेपर देंगे तो आपको उसमें यह आंसर करेक्ट लगाना है। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि इंडियन की रेडियो हिस्ट्री से रिलेटेड रहती है। अगर हम बात करते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहली बार कोई ब्रॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था, वो भी ट्रांसमिशन फ्रॉम द रूफ ऑफ बिल्डिंग ऑन 28 अगस्त 1921, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको एक चीज इंपॉर्टेंट, दो चीजें इसमें निकल कर आ रही है कि कौन से किसने किया था, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, और कब किया था, 28 अगस्त 1921 में, और क्या किया था, रिकॉर्ड किया था पहला ब्रॉडकास्ट रेडियो के लिए ट्रांसमीटर से, वो भी कहाँ किया था, छत के रूफ में। तो इतना इतना डिटेल में नहीं जाना, मगर आपको जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर याद रखना है वो है टाइम्स ऑफ इंडिया और कौन सी डेट पे किया था, वो है 28 अगस्त 1921। ये दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंटली आपको याद रखनी है। तो पहली बार कब रेडियो को ट्रांसमिशन ऑफ ब्रॉडकास्ट की इजाजत मिली थी और वो लाइसेंस मिला था पहली बार, तो उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया है कि पहला और फर्स्ट लाइसेंस रेडियो ट्रांसमिशन के लिए मिला था, वो था 23 फरवरी 1922 में। पहला रेडियो क्लब कौन सा था, तो उसमें आपको ये जवाब देना है कि रेडियो क्लब ऑफ कलकत्ता। ये ध्यान से पढ़िए, एक एक पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है कौन सा पहला रेडियो क्लब था, आपको आंसर देना है रेडियो क्लब ऑफ कलकत्ता था और वो कब था, 1923 में। वो पहला एमेचर रेडियो क्लब था जिस जो अगर हम बात करें, पहला एमेचर क्लब अगर कोई था तो वो कलकत्ता का था, वो है 1923 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। 1924 को क्या हुआ था, 16 मई 1924 में मद्रास प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब स्टेब्लिश हुआ था। देखिए, पहला आ गया कोलकाता, उसके बाद मद्रास, उसके बाद जून में बॉम्बे रेडियो क्लब स्टार्ट हुआ था। तो अब देखिए सीक्वेंस आपको यहाँ ध्यान देना है, सबसे पहले हुआ था कलकत्ता, उसके बाद मद्रास, उसके बाद हुआ था बॉम्बे, और फिर 31 अगस्त मद्रास प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब इन्हें स्टार्ट कर दिया था डेली ट्रांसमिशन करना जुलाई में, मतलब एक महीने बाद बॉम्बे रेडियो क्लब स्टार्ट हुआ, उसके एक महीने बाद मद्रास ने रेगुलरली, मद्रास जो प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब था उसे रेगुलरली रेडियो से ट्रांसमिशन करना स्टार्ट कर दिया था। 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्ट कंपनी स्टेब्लिश हुई थी, 23 जुलाई 1927। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर ये जुलाई 23 ऐसी डेट तो नहीं पूछते, मगर ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ईयर हमेशा पेपर में आते हैं और आपको ईयर पूछा जा सकता है कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी कब स्टेब्लिश हुई थी, तो आपको जवाब देना है 1927। ये जितने भी ईयर्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं आपको ध्यान से देखना है क्योंकि ये ईयर में भी आ सकता है और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, इसका सीक्वेंस भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा पहले आया था, कौन सा बाद में आया था। तो आपको ये भी अच्छे से पढ़कर जाना है कि कौन सा रेडियो क्लब पहले आया था और कौन सा बाद में आया था। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट,
अब 1930 में क्या हुआ था कि जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी थी वो बैंकक्रप्ट हो गई थी और ये कंपनी को फिर से रीनेम किया गया था इंडियन स्टेट ऑफ ब्रॉडकास्ट सर्विस के नाम से। 9 अक्टूबर 1931 में गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था ऑफिशियली कि जो अभी नया नाम बना था ना इंडियन स्टेट ऑफ ब्रॉडकास्ट सर्विसिंग, उसको भी बंद कर दिया गया था 1931 में, एक साल बाद। मतलब ये आप सीक्वेंस देखिए, काफी ज्यादा अंतर नहीं है सीक्वेंस में। 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्ट कंपनी बनी, उसके बाद 1930 के अंदर वो बंद हो गई, उसके बाद 1931 में जो एक नई कंपनी, जो उसको रीनेम किया गया था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को इंडियन स्टेट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से, उसको भी अगले साल बंद कर दिया गया 9 अक्टूबर के अंदर। तो ये आप देखिए सीक्वेंस बहुत ज्यादा डेट का अंतर नहीं है। अगर आपको नहीं भी आता आंसर तो आपको एक सीक्वेंस देखना है कि देखिए सीक्वेंस लगातार चल के आ रहा है, एक साल के बाद कुछ ना कुछ नया इन्वॉल्वमेंट, नया इनोवेशन होता रहा रेडियो की फील्ड के अंदर। तो कोई भी आपको अगर बहुत क्लोज अगर आंसर दिख रहा है तो आपको उसको करेक्ट आंसर लगाना है, अगर आप श्योर नहीं है कि उसका करेक्ट आंसर क्या है। 1935 के अंदर क्या हुआ था कि एक सेपरेट पोस्ट बनाई गई थी कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, इसको बनाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रीज के अंदर, ये पोस्ट बनाई गई थी। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देखिए जो हमने पहले बात करी कि जो अपना कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग बनाया गया था उसका पहला कौन ऐसा पर्सन था जिसको बनाया गया था एज अ फर्स्ट कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, तो उसका नाम है लियोनल फिल्डन। ये नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। ये पूछा जा सकता है कि पहला कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कौन था, तो आपको नाम डालना है उसमें करेक्ट आंसर में, लियोनल फिल्डन। अब 1936 यहां से इंडिया के अंदर रेडियो की जो हम बात कर इनोवेशन और रेडियो का जो प्रचार प्रसार था काफी बढ़ना शुरू हुआ। तो 1936 के अंदर दिल्ली रेडियो स्टेशन स्टार्ट किया गया। इसी साल पर एक इम्पॉर्टेंट जो चीज हुई थी वो था पब्लिकेशन ऑफ रेडियो मैगजीन, पहली बार कोई पब्लिश हुई थी जो हिंदी और उर्दू में थी, जिसका नाम था आवाज। ये भी आपको एक बार दिमाग में बैठा लेना है कि वो जो रेडियो मैगजीन थी उसका नाम है आवाज। आवाज आप एक अपने तरफ से कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, रेडियो में हम क्या देते हैं, एक आवाज देते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप उससे अपने एक रिलेट करके वो आंसर आप करेक्ट लगा सकते हैं। अब देखिए साल वही है 1936 में, काफी ज्यादा नए नए इनोवेशन होते गए, नए नए चेंजेस आते गए। उसी में एक जो चेंज, एक नया इनोवेशन और नया नाम चेंज किया गया वो था ISBC का नाम ऑल इंडिया रेडियो, जिसको हम आज जानते हैं, उसका नाम 1936 के अंदर आया था। मगर उससे पहले कई इनोवेशन हुए जो हम जानते नहीं। आप अगर कोई भी बुक पढ़ते हैं तो आपको यही मिलेगा कि 1936 में ऑल इंडिया रेडियो स्टैब्लिश हुआ था, ऑल इंडिया रेडियो आया था, मगर ये आप नहीं जानते कि 1936 में ऑल इंडिया रेडियो आने से पहले दिल्ली स्टेशन बना था, उससे पहले एक रेडियो मैगजीन बनी थी जो कि हिंदी और उर्दू में थी, जिसका नाम आवाज था। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो उसमें ऐसे ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पूरे डिटेल में हर चीज आपको बताई गई है। तो अब आपको बता दिया गया कि 8 जून को, वैसे ये पूछता नहीं 8 जून, वो एक मेंशन करने के लिए कि कब कौन सी डेट में आया था, ताकि आपको अगर सीक्वेंशियल क्वेश्चन भी आते हैं तो आप उसका करेक्ट आंसर दे सके। पहला डायरेक्टर अगर हम बात करें ऑल इंडिया रेडियो के, वो थे A.S. बुखारी। अब ये A.S. बुखारी का नाम भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि पहले कौन से डायरेक्टर थे ऑल इंडिया रेडियो के, तो उनका नाम है A.S. बुखारी। 1938 के अंदर लखनऊ स्टेशन स्टार्ट हुआ था फंक्शन करना, और रेगुलरली उसके उस स्टेशन के अंदर जो खासियत थी वो एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग करते थे फॉर अ स्कूल चिल्ड्रन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था फॉर अ रेडियो की, वो एजुकेशन की तरफ ज्यादा बढ़ावा दे रहे थे, उसमें नाम आता है लखनऊ स्टेशन का। 1939 के अंदर पहला रिले प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था दिल्ली स्टेशन और बॉम्बे स्टेशन के बीच में। मैं ये बाकी चीजें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर मैं आपको जरूर इसको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मैं वर्ड फाइल प्रोवाइड करूंगा, वहां आप एक बार डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, 1940 में A.S. बुखारी कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग बनाए गए थे, पहले डायरेक्टर थे वो ऑल इंडिया रेडियो के, उसके बाद 1940 में वो कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग भी बनाए गए। अब 1941 एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, 1941 के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टैब्लिश की गई। 1941 आपको ये दिमाग में बैठा लेना है कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग 1941 में बनाई गई थी। बाकी पॉइंट जो यहाँ पर दिए गए वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर आप एक बार अपने नजर इसमें दौड़ा सकते हैं, जब मैं आपको जो वर्ड फाइल प्रोवाइड करूंगा तो एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि कहीं से क्वेश्चन आ सकता है, वैसे चांसेस बहुत कम है, मगर आप एक बार देख लेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, एक बार आप देख कर एग्जाम में जा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डिप्टी कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग थे वो थे A.A. हामिद 1942 के अंदर। अब ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, वैसे आया नहीं है आज तक मगर आ सकता है, कि 1943 में एक बार हेडक्वार्टर ऑफ ऑल इंडिया रेडियो शिफ्ट कर दिया गया था। ये कोई दूसरी सिटी में नहीं शिफ्ट किया गया था, दिल्ली के अंदर ही एक दूसरी जगह है, रेड ब्रिक बिल्डिंग ऑफ ब्रॉडकास्टिंग हाउस अ पार्लियामेंट स्ट्रीट,
वहां पर इसको शिफ्ट कर दिया गया था। पहले दिल्ली के अंदर ही कोई दूसरी जगह पर था, मगर उसको शिफ्ट करके इस जगह पर इसको स्टैब्लिश कर दिया गया था, ऑल इंडिया ब्रॉडकास्टिंग का हेडक्वार्टर। 1947 के अंदर जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय ऑल इंडिया रेडियो ने पहली बार लाइव कवरेज किया था, वो भी हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक स्पीच चल रही थी, फेमस स्पीच अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी, उसको पूरे देश ने सुना था उस समय, और उसके ऊपर लाइव कवरेज किया था ऑल इंडिया रेडियो के अंदर। और कहाँ किया था, सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट के अंदर ये लाइव कवरेज हुआ था। आपको ये भी याद रखना है कि किसके ऊपर ये स्पीच चल रही थी, अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 1948 के अंदर पटना स्टेशन स्टार्ट हुआ था, 1956 के अंदर एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ऑल इंडिया रेडियो ने पुणे के अंदर। 1957 में विविध भारती आया था, यह भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में, और ये आने की भी इसकी काफी संभावना रहती है कि विविध भारती कब आया था, तो आपको यहाँ पर देखना 1957 के अंदर विविध भारती आया था। 1959 के अंदर रेडियो रूरल फोरम स्टैब्लिश किया गया था, किसने किया था, ऑल इंडिया रेडियो ने किया था। 1964 के अंदर इंदिरा गांधी अपॉइंट कर दी गई थी एज अ मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, ये भी क्वेश्चन आ चुका है पहले पेपर में, आप एक बार अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको एक बार ये आंसर मिला होगा कि 1964 में ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है कि इंदिरा गांधी, इसमें कई ऑप्शन दिए गए थे इंदिरा गांधी के अलावा कि कौन सी पहली मिनिस्टर थी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की, तो उसमें आपको आंसर देना इंदिरा गांधी, 1964 में बनाई गई थी। अब 1966 के अंदर चंदा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी रिगार्डिंग दैट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की, उसमें कॉमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग भी लाया जाए, क्योंकि अब तक क्या हो रहा था कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग काफी कवरेज कर रहे थे गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब उसमें एक रेवेन्यू उतना ज्यादा जनरेट नहीं हो पाता था, मगर चंदा कमेटी ने एक रिपोर्ट निकाली थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमें कॉमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग को भी बढ़ावा देना चाहिए। 1969 के अंदर युवा वाणी स्टार्ट की गई थी, ये प्रश्न भी आ चुका है, वैसे इस सीक्वेंस में पूछा गया था कि विविध भारती, युवा वाणी, ज्ञान वाणी, इसके ऊपर एक प्रश्न आ चुका है, युवा वाणी पहले आई थी कि ज्ञान वाणी पहले आई थी, तो सबसे पहले युवा वाणी आई थी। कभी भी आपको अगर ऐसा ऑप्शन मिलता है कि युवा वाणी, ज्ञान वाणी, तो सबसे पहले आपको ऑप्शन में युवा वाणी अगर सबसे पहले दिख रहा है तो आपको युवा वाणी को ही करेक्ट आंसर टिक करना है। 1967 के अंदर कॉमर्शियल सर्विस स्टार्ट की थी पहली बार विविध भारती ने, तो ये अभी तक मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हुई थी रेडियो के हिस्ट्री की, अगर हम बात करें रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई है ओवर द ईयर्स, क्योंकि इससे ज्यादा वो लोग पूछते नहीं है लेटेस्ट में, यहाँ तक ही आता है ज्यादातर, स्टार्टिंग से लेके इस डेट तक 1967 तक क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे। अब बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें इसी के अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं जो पिछले पेपर में अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं, तो उसमें पहला पॉइंट ये आता है कि बेंगलोर ने पहली बार स्टार्ट किया था एफएम रेडियो, जो आज हम सुनते हैं एफएम रेडियो, पहली बार बेंगलोर में स्टार्ट किया गया था 2001 के अंदर। पहला ऑनलाइन रेडियो था रेडियो उमंग, पहला कम्युनिटी रेडियो था संगम रेडियो जो 2008 में शुरू किया गया था, पहला प्राइवेट चैनल की अगर बात करें तो वो था रेडियो सिटी, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है 23 जुलाई को, तो ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको भी एक बार आपको ध्यान से देखना है, ये रिपीट हो सकते हैं क्योंकि ये प्रीवियसली आ चुके हैं पेपर्स के अंदर, तो ये आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको भी इसमें मेंशन कर दिया है ताकि आपको प्रीवियस ईयर के क्या क्वेश्चंस आए हैं उसकी भी थोड़ी नॉलेज मिल सके रेडियो से रिलेटेड। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया पूरे रेडियो की हिस्ट्री डिटेल के अंदर, आप इस पीडीएफ को या इस वर्ड फाइल को पूरे ध्यान से देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, ताकि रेडियो से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको करने में पूरी तरह से कामयाब हो पाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और भी लेटेस्ट एंड इंटरेस्टिंग मास कम्युनिकेशन के वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।